वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल स्वीट रेसिपी। करंजी बनाने वाले हैं हम, जिसे भरी हुई पूरी या फिर मीठी पूरी भी कहते हैं। तो मैं आधा किलो की बना रही हूँ। तो आधा किलो मैंने मैदे का आटा ले लिया है। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे, ठीक है। बीच में थोड़ी जगह बना लेंगे। पाँव चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और घी ले लेंगे। मैंने देसी घी ले लिया है। इसको गरम करके हमें पूरा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही डालना है। गुनगुना या फिर गरम घी ऐड नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसको गरम करके अच्छे से ठंडा कर लिया। अब घी को हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे में, ताकि अच्छी तरह घी मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, देखिए घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी का यूज़ करते हुए हम आटा गूंद लेंगे। हमें सॉफ्ट डो गूंदना है, पर पतला नहीं करना है आटे को, पर सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम आटा गूंद कर रेडी कर लेते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस तरीके से ना मालिश कर लेंगे, मुट्ठी मार लेंगे आटे की। तो ये देखिए आटा मैंने गूंद कर रेडी कर लिया है। बहुत देखिए सॉफ्ट आटा मैंने गूंदा है, ठीक है। ऐसी नरम आटा आपको गूंद कर तैयार करना है। अब हम इसको ना कवर करके रख देते हैं, 15-20 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम जो फिलिंग भरने वाले हैं पूरी में, वो बनाकर रेडी करते हैं। ये मैंने आधा किलो खोपरे को ग्रेट करके ले लिया है। देखिए इस तरीके से लंबा लंबा इसको हम ग्रेट कर लेंगे। सूखा नारियल है ये, और 50 ग्राम मैंने खसखस ली है, और इलायची पाउडर भी लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम, काजू, चारोली और किशमिश ली है, ठीक है। बादाम काजू को मैंने जो है मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इन सबको हम घी में ना एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो देखिए घी ले लिया है, 2-3 बड़े चम्मच घी लेंगे। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब जो नारियल हमने घिस कर रखा था, उसको हमें भून लेना है घी में। देखिए इस तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है, जलाना नहीं है और फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, ठीक है, वरना खोपरा आपका पूरा जल जाएगा। ये हो चुका है भूनकर, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब मैंने 1 छोटा चम्मच घी डाला है। इसमें हम बादाम को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही सारी चीज़ों को हमें फ्राई करना है, ठीक है। अलग अलग फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें काजू को फ्राई कर लेंगे, साथ ही मैं चारोली भी ऐड कर दे रही हूँ। इन सबको फ्राई करना ज़रूरी है। फ्राई करने से क्या होगा कि ये लंबे टाइम तक अच्छे रहेंगे। हम 1 से 2 हफ्ता 2 से 3 हफ्ते तक इन पूरियों को डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है। अगर आप बिना फ्राई किए डालोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी आपकी पूरी। अब हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे। तो किशमिश देखिए फूल जाती है घी में, तो ये फूल जाएगी, मतलब फ्राई हो चुकी है अच्छे से। और जब हम इसको निकालेंगे ना, तो देखिए ये ऑटोमेटिक फिर से चपटी हो जाती है, इस तरीके से सुकड़ जाती है, ठीक है। तो किशमिश भी हमारी फ्राई होके रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे और खसखस को भी हमारी हम इसी तरीके से घी में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। खसखस भी हमारी फ्राई होके रेडी हो चुकी है। तो जो मैंने बर्तन लिया था जिसमें मैंने सब चीज़ों को फ्राई किया था, अब उसी बर्तन में मैं जो है खोपरे को डाल दूंगी, जो हमने फ्राई करके रखा था सूखा खोपरा, उसको हम डाल देंगे इसमें। अब जो ड्राई फ्रूट सारे हमने घी में भून लिए थे, फ्राई कर लिए थे, वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
देखिए इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने पाउडर शुगर ली है 1 कप भरकर, मैंने थोड़ी सी बचा ली है। पहले मैं टेस्ट करूँगी, अगर फीका लगा तो मैं और ऐड करूँगी। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप बारीक वाली शक्कर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये हल्का जब गुनगुना रहेगा ये सारी चीज़ें तब आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप पाउडर शुगर डाल रहे हैं तो इन सबको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। खोपरा, ड्राई फ्रूट जो हमने घी में तला था, इन सबको पंखे के नीचे अच्छे से ठंडा होने देना, उसके बाद ही पाउडर शुगर ऐड करनी है। तो मुझे फीका लग रहा था तो बाकी की बची हुई भी मैंने शक्कर इसमें ऐड कर दी है। तो पूरी हमें 1 कप शक्कर लगी है इसमें, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अगर आप गरम में ही पाउडर शुगर डालोगे तो पानी छोड़ने लगेगी, ठीक है। देखिए फीलिंग हमारी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पूरी बनाना। तो जिसके लिए आटे के हम पार्ट्स कर लेंगे। सबसे पहले देखिए 3 पार्ट्स कर लिए हैं मैंने। अब उसमें से 1 पार्ट को हम रोल कर लेंगे। अब देखिए छोटे छोटे पेड़े हम इसके कटिंग कर लेंगे, ठीक है। जो साइज़ की आपको पूरी बनानी है, नॉर्मली तो यही साइज़ की हम बनाते हैं, तो कट कर लिए हैं मैंने छोटे पार्ट्स में। तो देखिए एक पेड़े को हम पहले रोल कर लेंगे, थोड़ा मोटा ही रखना, एकदम पतली पतली जो है आपको पूरी नहीं बनानी है। तो अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे, 2 चम्मच भर के फिलिंग डालेंगे। फिलिंग जो है कम नहीं डालना है, तो पूरी खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा फिलिंग भरोगे तो पूरी खाने में मज़ा आता है। तो अब हम साइड में किनारियों पे थोड़ा पानी लगा देंगे। पानी नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, और लगाओगे तो भी चलेगा, बगैर पानी लगाए भी ये चिपक ही जाता है। तो इस तरीके से इसकी किनारियों को ना अच्छे से प्रेस करना है, ठीक है। दबाते हुए प्रेस करें ताकि फ्राई करते वक्त पूरी हमारी खुले ना। अब देखिए इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाना आपको बता रही हूँ। कॉर्नर्स को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, एक बार आप बनाओगे ना, 1-2 बार या 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगी डिज़ाइन बनाना। बस इसको फोल्ड करते जाना है इसके कॉर्नर्स को। सिंपल है, बहुत ही झटपट बन जाती है ये पूरी। तो ये देखिए एक पूरी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको पूरी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले एक हम छोटा सा जो है रोटी बेल के ले लेंगे, रोटी या फिर पूरी जो भी कहेंगे छोटे साइज़ की वो बेल लेंगे। उसके बीच में हम फीलिंग भर देंगे और उसके ऊपर दूसरी बेली हुई पूरी को हमें रख लेना है, ठीक है। और किनारियों को ना अच्छे से प्रेस कर देना है दबाकर। अब इसकी साइड को भी हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो बहुत ही ईजी है, ये वाली डिज़ाइन भी अच्छी लगती है दिखने में और खाने में। तो देखिए ये डिज़ाइन भी हमारी राउंड वाली बन के रेडी हो चुकी है। और एक आप सिंपल, अगर आपको फोल्ड करने नहीं आ रहा है तो फोक ले ले, फोक की हेल्प से देखिए इस तरीके से आप इस पर डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये तो सबसे इजी तरीका है, अगर आपको नहीं आ रहा है फोल्ड करने तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जल्दी जल्दी भी बन जाएंगी ईजीली। तो देखिए 3 डिज़ाइन मैंने आपको बता दी है, ये तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो डिज़ाइन की पूरी आप बना सकते हो। तो इनको हमें एक न्यूज़पेपर बिछा देना है और उसके ऊपर पंखे के नीचे सूखने देना है पूरी को, थोड़ा सूख जाए उसके बाद ही फ्राई करना है। डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है वरना फट सकती है। तो सबको मैंने देखिए पंखे के नीचे सूखा लिया है थोड़ा थोड़ा पूरियों को। अब तेल लेंगे क्योंकि डीप फ्राई करना है, तो ऑयल हमें ज़्यादा लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम मीडियम
कर देंगे फुल फ्लेम पर। बिल्कुल पूरी को फ्राई नहीं करना है वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी ये, इसलिए हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। और केयरफुली डालना है पूरियों को, आपके हाथों पर तेल भी उड़ सकता है। अब पूरियों के ऊपर है ना इस तरीके से हमको तेल डालते रहना है, इससे क्या होगा कि पूरी हमारी फूल जाएगी ऊपर से। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे फूल गई है। तो सारी पूरी पर ना इस तरीके से पहले आपको थोड़ा तेल डालना है गरम गरम, इससे क्या होती है पूरी हमारी फूली फूली बनती है माशाल्लाह। तो देखिए पूरी हमारी कैसे फूल चुकी है। अब एक साइड से ये फ्राई हो चुकी है, इसकी साइड को हम टर्न करेंगे और दूसरी साइड पर भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, एकदम ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। तो देखिए दोनों साइड से पूरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है, माशाल्लाह फटी भी नहीं है हमारी पूरी, वरना अक्सर किसी किसी की पूरी तेल में डालने के बाद फट जाती है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी मेथड से आप बनाइए, बहुत अच्छी इंशाल्लाह आपकी भी पूरियाँ बनेंगी। तो देखिए पूरी सारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं और जो बाकी की पूरियाँ हैं उनको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारी दिवाली स्पेशल करंजी बनके रेडी हो चुकी है। मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही है। तो ये देखिए अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है और पूरी भरी भरी, ऐसा नहीं है कि तोड़ने के बाद अंदर से खाली है। कम फीलिंग भरोगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। देखिए मैंने फीलिंग ज़्यादा भरी है तो एकदम भरी हुई हमारी पूरियां बनी है ये। तो इस दिवाली में आप मेरी इस करंजी की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो फिर मैं मिलती रहूंगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।